जलती है उतनी ही उजली हकीकत जितनी बर्फ की चादर में लिपटी हजारों फीट ऊंची ये पर्वत श्रृंखला है। वाकई राहुल गुप्ता ने डर पर जीत हासिल की और जब काराकोरम श्रृंखला के ऊंचे पहाड़ों पर राहुल पहुंचे तो दिल की बात जुबां पर आ ही गई। आपको ये साबित करने आया हूँ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्सपीडिशन कुछ खतरनाक बनता जा रहा। हम लोग 8 बजे पीक सबमिट करना था बट अभी तक 11 बज चुके हैं और ये सिचुएशन ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से नीचे जा नहीं सकते। ऊपर आ नहीं सकते, ये सब रॉक फिक्सिंग के लिए वेट कर रहे हैं। राहुल को पर्वतारोहण का शौक कॉलेज में एनसीसी के दौरान मजाक मजाक में जाता, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक इस सफर में बहुत पानी बह गया और राहुल आज नई मंजिलों को पार करने के साथ साथ कामयाबी की नई इबारत लिखने की तैयारी में है। ये कॉलेज के दौरान ये शौक लगा और स्टार्टिंग तो मजाक से ही हुआ था, लेकिन जब पता चला कि एक कैरियर दिख रहा ब्राइट फ्यूचर और पता चला कि छत्तीसगढ़ का मैं फर्स्ट क्लाइंबर बन सकता हूँ तो इसके लिए मैंने कोशिश किया। पर्वतारोहण एक ऐसी खेल विधा है जिसमें लाखों का खर्च है और खतरे इतने ज्यादा कि अगर एक कदम भी डगमगाया तो सीधा मौत से सामना हो सकता है। राहुल इन खतरों के खिलाड़ी तो बन गए, लेकिन शुरुआती ट्रेनिंग के लिए माली हालत इजाजत नहीं दे रही थी। लेकिन सरगुजा की कलेक्टर ऋतु सेन को राहुल में वो विजेता दिखा जो हिमालय को लांघने का जज्बा रखता है और यही वो अहम मोड़ था जब राहुल ने हिमालय चूमने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ऋतु सेन मैम जो आईएएस ऑफिसर हैं सरगुजा के कलेक्टर, उन्होंने मेरे को प्रमोट करने के लिए 1,00,000 रुपए दिए कि आगे की मैं ट्रेनिंग जारी रख सकूं। ट्रेनिंग के दौरान मैंने गुलाब कुमारी चढ़ा था जिसकी हाइट 6,025 मीटर थी। इस ट्रेनिंग के दौरान मेरे पैर में क्रैम्प था और मुझे वॉकिंग स्टिक के सहारा से चलना पड़ता था और फाइनली मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी क्योंकि एक इच्छा थी कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैंने दूसरी स्टॉक कंगरी किया जो 6,150 मीटर की थी। देन उसके बाद मैंने कांग्याचे शोल्डर 2 किया जो 6,200 मीटर की थी। इसके बाद मैं मेंटोक कंगरी 1 गया, 2 गया एंड 3 गया। ये एक ही रेंज में क्लाइम है, इसकी हाइट 6,200 मीटर से लेकर 6,400 मीटर तक है। राहुल मुझे उत्साही लगे थे और अपने फील्ड के बारे में काफी जानकारी रखते थे जो उन्होंने मुझसे शेयर की, तो मुझे सिर्फ इतना लगता था कि कोई भी बच्चा किसी अवसर की कमी के कारण या आर्थिक अभाव के कारण अपना पैशन परस्यू करने से ना छूटे और वही मुझे क्लिक किया। राहुल की जिंदगी में हिमालय तक पहुंचने का वक्त आना अभी बाकी है, लेकिन राहुल हर बार कोई न कोई संदेश लेकर ऊंचे पहाड़ों का रुख करते हैं जिस संदेश में समाज को सीधे तौर पर जगाने की कोशिश होती है। अभी तक मैं जितने भी पर्वत श्रृंखला में चढ़ा हूँ सभी पर्वत पे एक मैं मैसेज के साथ चढ़ा हूँ। फर्स्ट तो ट्रेनिंग के दौरान थे, जब मैं सेकंड गया तो वो सबसे पहला मेरा कमिटमेंट था कि मुझे छत्तीसगढ़ का फ्लैग लेके जाना है और छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने के लिए एक कदम आगे बढ़ना है। और जब उसके बाद आगे मैं एनसीसी यूनिट का फ्लैग लेके गया और उसके साथ ही मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी मुद्दे को उठाया जो हमारे समाज में हो रही कुरीतियों ये सब बातों को, और उसके आगे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्लैग लगाया एक माउंटेन में जिसमें जो यूनिवर्सिटी में होते हैं रेसिज्म प्रॉब्लम उसके मुद्दे को उठाया हूँ। जाहिर तौर पर राहुल का हुनर और उनका हौसला हिमालय की तरह मजबूत और ऊंचा है जो एक दिन उन्हें कामयाबी के शिखर पर जरूर पहुंचाएगा। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम ये देश और दुनिया में रोशन करेंगे और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ही कम उम्र में चढ़ाई करके पूरी करके एक सफलता का रिकॉर्ड अपने नाम और कर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक पाठक से सदर्पित गुप्ता जी मीडिया रायपुर। जी हाँ, 6,400 मीटर की ऊंचाई का सफर तय करने वाला राहुल गुप्ता जिसकी मंजिल है माउंट एवरेस्ट और महज 20 साल की उम्र में यह कामयाबी राहुल गुप्ता ने हासिल की। राहुल गुप्ता के पूरे कामयाबी के सफर के बारे में हम बात करेंगे। नोएडा स्टूडियो में खुद राहुल गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन। सबसे पहले राहुल शुरुआत चूंकि हम करना चाहेंगे, इस सपने की शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था अपने कॉलेज लाइफ के तो एक इच्छा थी कि कोई सोसाइटी ज्वाइन करूं
और दूसरे कॉलेज में भी बहुत सारे सोसाइटी थे, तो हाइकिंग क्लब सेंट स्टीफंस कॉलेज में एक सोसाइटी है जिसमें ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं। तो मैं उनके पास गया और उन्हें ये बोला कि मुझे आपकी सोसाइटी ज्वाइन करनी है। उन्होंने मजाक मजाक में ये कहा कि आउटसाइडर्स नॉट अलाउ स्पेशली फॉर किरोड़ीमल कॉलेज बॉयज। और ये कॉलेज वार में एक चीज क्लिक किया कि मुझे निकाल दिया गया था, और वहां से फिर प्लानिंग शुरू हुई कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, इनको कुछ करके दिखाना है। कुछ करके दिखाना था राहुल, लेकिन आपके यहाँ पर मैं बाइट सुन रही थी, आपने ये कहा कि एक मजाक हुआ और मजाक मजाक में चीजें क्लिक कर गई। मजाक क्या हुआ था जिसके साथ इसकी शुरुआत हुई? मजाक तो यही हुआ था कि मैं ज्वाइन करना चाहता था, एक इच्छा थी मैं करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ मुझे इसलिए निकाल दिए क्योंकि मैं दूसरे कॉलेज का था। अच्छा राहुल, चलिए ये तो हो गई मजाक में शुरुआत हुई, और शुरुआत से लेके अब तक जो सफर आपने तय किया उसके बारे में बताएं, कितनी कठिनाइयां आपको अभी तक देखने को मिली, कितनी चुनौतियां आपको देखने को मिली, और अब तक का कामयाबी का सफर आपका कैसा रहा? अभी तक का कामयाबी का सफर तो मुझे शानदार ही रहा, लेकिन कठिनाइयां भी बहुत हुई। इस दौरान मुझे तो माउंटेन पे चलने भी नहीं आता था, मैं एक जंगल प्रदेश से आया हूँ और पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ, मुझे तो ढंग से चलने भी नहीं आता था। और जैसा मैं स्टार्टिंग में था ट्रेनिंग के दौरान, आज वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल बनना था और कंटिन्यू क्लाइंब करना था, तो पहले सीखना पड़ा कि स्टेप बाय स्टेप। और इस दौरान लगभग 15 टाइम्स मेरे साथ ऐसे भी आए कि मुझे मौत के मुंह का सामना करना पड़ा। राहुल, अगर हम यूथ की बात करें तो आप उनके लिए एक बड़े आइडल के तौर पर है। आपकी मेहनत, आपकी जितनी भी चुनौतियां आपको इस दौरान देखने को मिली, जाहिर बात है कि एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उन यूथ्स के लिए वो काम करेंगे जो कुछ ऐसा सपना देखते हैं। तफसील से बताएं, डिटेल में बताएं, इसकी शुरुआत के साथ जब आपको काफी सारी चुनौतियां देखने को मिली, कैसे आपने उनसे पार पाया, कैसे आपकी ये शुरुआत हुई, कैसे आपको आपकी पहली सफलता मिली, हमें डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारे यूथ्स इस वक्त जो देख रहे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो जानने के इच्छुक हैं। जब मैं सेंट स्टीफन कॉलेज से वापस आया और अपने लैपटॉप में सबसे पहले मैं गूगल पे सर्च मारा कि माउंटेनिंग का कोर्स होता क्या है, इसे करते कैसे हैं, क्योंकि ये हाइकिंग ट्रेकिंग मुझे समझ में नहीं आता था। मैं एक ऐसी जगह से उठ के आया हूँ कि मुझे पता भी नहीं था कि ये होता क्या है, बस जानता था कि हाँ बस मनाली घूमने चलते हैं, पंचमढ़ी घूमने चलते हैं, और क्लास में पढ़ाई का बर्डन भी हुआ करता था, और ये समझ में आ गया था कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है। हमेशा आईएएस बनने के पीछे भागता था, लेकिन लाइफ में जब कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिले तो सोचा कि नहीं कुछ नया ही कर लेते हैं। और ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी मैं बस गूगल सर्च मारना स्टार्टिंग कर दिया। और एक दिन मजाक मजाक में मुझे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन का एड्रेस मिल गया, जो कि धौला कुआं न्यू दिल्ली में है, और वहां जाता था मैं लगभग कंटिन्यू 2 महीने तक। मैं गया वहां और वहाँ आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग देखता था, करता था। इसी दौरान मुझे संतोष यादव मैम मिली, जो 2 टाइम एवरेस्टियर हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए थे, एक ही सीजन में 2 बार क्लाइंब की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हो तो आप फर्स्ट क्लाइंबर बन सकते हो, आप कोशिश करो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी आपका पैशन, अगर आप जिस दिन छोड़ दिए उस दिन आप हार जाओगे, और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि आपका पैशन जो था जिससे इसकी शुरुआत हुई, और आपको हारना पसंद नहीं। और आजकल हारना आखिर किसे पसंद होता है राहुल? जाहिर बात है कि हर कोई अपनी चीजों को पाने के लिए, अपने पैशन को पाने के लिए खूब कड़ी मेहनत करता है, और वो कड़ी मेहनत आपने भी की। राहुल हम आपसे आगे और भी बात करेंगे, हम एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुक रहे हैं। हमारे साथ राहुल गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो जब भी एक ऊंचाई को छूते हैं एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। फौरन लौटते हैं। Thank you.
Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. Happy New Year with Ayurvin NutriGain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। अग्नि इंडियाज नंबर वन सीजेड ज्वेलरी ब्रांड, लुकिंग फॉर डायनामिक डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ग्रो देयर बिजनेस इन इंडिया। गुड अपॉर्चुनिटी टू अर्न हैंडसम रिटर्न्स। रश इन योर एप्लीकेशंस टुडे। कॉल 02240207777। अग्नि सीजेड गोल्ड ज्वेल्स, अनमोल आप ही की तरह। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. एक अच्छी फसल के लिए किसान को क्या चाहिए? प्यार की बात, दुआओं का साथ, मेहनत दिन रात और ताकत आपके हाथ। बायर का शक्तिशाली फेम धान, सब्जियों, दालों और अन्य प्रकार की फसलों को फेम सुंडियों से सुरक्षित रखे। बायर का फेम साथ ऐसा जादू जैसा। बहू हिंग डाली या खा? तू कौन सी हिंग डाले मांझे? ऐसी हिंग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई नबर। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. प्रधानमंत्री जनधन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया, उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है बेराज, इस खाते से तुम्हें 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। इंडिया सोर्स बुक्स, इंडिया फास्ट ग्रोइंग पब्लिशिंग हाउस इज लुकिंग फॉर डायनामिक डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ग्रो देयर बिजनेस। Good opportunity to associate with a reputed publishing brand and earn handsome returns. Rush in your applications today. Call 022-2646-2106. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और हमारे साथ स्टूडियो में छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन राहुल गुप्ता इस वक्त मौजूद है जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राहुल की राह हमेशा से आसान नहीं थी, लेकिन राहुल ने हर मंजिल को बहुत ही हौसले के साथ पार किया। अब जबकि राहुल हिमालय की चोटी पर पहुंचकर एक मिसाल बनाना चाहते हैं, उन्हें इस बेहद खतरनाक खेल में अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा है, तो उनके आगे चुनौतियां भी ढेर सारी हैं। आपको दिखाते हैं कैसे और क्या प्लानिंग है राहुल की, फिर हम उसके बाद राहुल के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हिमालय के विशाल शिखर पर पहुंचने का मकसद लिए राहुल का सफर अभी उस मुकाम पर पहुंचा है जहां से बढ़ने वाला एक एक कदम राहुल की कामयाबी की नई इबारत लिख सकता है। लेकिन एक कदम डगमगाने का मतलब अपने मकसद में हार जाना होगा। बेशक राहुल को इस बात का इल्म है कि उनकी जिंदगी का मकसद कितना बड़ा और हिमालय की मानिंद कितना विशाल है। यही वजह है कि वो तमाम तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं और हिमालय की चोटी की तरफ कदम बढ़ाने से पहले वो दार्जिलिंग में खास ट्रेनिंग भी लेंगे। मेरे को ऑलरेडी अंबिकापुर में ट्रेनिंग ग्रांट किया गया है। ब्रीथिंग के लिए मेरे को स्विमिंग पूल ग्रांट किया गया है जहां पर मेरे ट्रेनर हैं ललित सर, और फिजिकल फिटनेस है गुरमिंदर सर हैं, इसाद सर हैं। ये मेरे को फिजिकल फिटनेस
जिम में प्रोवाइड कराते हैं, और टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि मेरी जो एवरेस्ट से पहले होनी है, जो मतलब अपने ट्रेनिंग को और धारदार करने के लिए, वो मेरी ट्रेनिंग दार्जिलिंग में 2 महीना में होगी, जो कि मेरे टेक्निकल ट्रेनर मिंगमा सेरिंग शेरपा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, और साथ ही साथ वो एवरेस्ट मेरे साथ जा रहे हैं मेरे शेरपा बन के। राहुल के मिशन पर छत्तीसगढ़ सरकार भी बेहद संजीदा है, लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री रमन सिंह खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी तक मैं इस माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन को एक प्रोजेक्ट का रूप तैयार किया गया है खेल विभाग के द्वारा, और इसे विशेष प्रकरण बना के माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को सौंपा गया है, और मेरा प्रोजेक्ट इंचार्ज भी वही है और वही देख रहे हैं, जो कि यहाँ के खेल मंत्री भी हैं। राहुल का हौसला हिमालय की तरफ विशाल है, और वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवा भी ऐसे ही हौसले के साथ आगे बढ़कर उनके साथ कदम ताल करें, ताकि एक नई खेल विधा में छत्तीसगढ़ का भी परचम लहराए। मैं जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंतर्गत ही आता है माउंटेनिंग का स्पोर्ट्स, और ये फील्ड अभी नया नया है, और छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रमोट करने का ये अभी सबसे अच्छा अवसर है कि छत्तीसगढ़ के लोग इस फील्ड में आएं और एक और स्पोर्ट्स में अपना वर्चस्व पाएं। और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिखर, जिसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं को पर्वतारोहण का ट्रेनिंग दी जाए और उनको पर्वतारोही बनाने की प्रयास किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। 20 साल के राहुल गुप्ता हिमालय की ऊंचाई लांग कर दुनिया भर में छत्तीसगढ़िया माटी की महक बिखेरने के लिए बेताब है, तैयारी भी जोरदार है, और इस रास्ते में हमारी दुआओं और उम्मीदों का आसमान भी बड़ा है, और हम राहुल के लिए कह रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। रायपुर से अर्पित गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राहुल गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में है। राहुल, 7 ऊंची पहाड़ियों को आप पार कर चुके हैं और अभी हिमालय को छूना बाकी है, कितनी बेताबी है, कितनी तैयारी है। और एक और बात आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, आपको डर नहीं लगता? ना, मुझे डर नहीं लगता। स्टार्टिंग में एक बार लगा, दो बार लगा, लेकिन जब बार बार जब मौत का सामना करना पड़े ना, तो हौसला भी उसी से आता है। और इसके साथ ही आगे का जो सफर तय करना है, उसके लिए कितनी बेताबी और कितनी तैयारी इस वक्त राहुल चल रही है आपकी? अभी फिलहाल तो तैयारी मेरी स्थगित है, क्योंकि मेरे सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम के बाद मैं वापस छत्तीसगढ़ जाऊंगा, मेरी तैयारी वहीं शुरू हो जाएगी। ट्रेनिंग की यहाँ पर हमने बात सुनी आपकी, आप यहाँ पर जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अपनी ट्रेनिंग को लेकर कि आपकी ट्रेनिंग है दार्जिलिंग में, एक ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ट्रेनिंग हो जाती है एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए? एक नॉर्मल ट्रेनिंग है, वैसे भी मैं प्रोफेशनल क्लाइंबर हूँ, तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा एक प्रकार से प्रैक्टिस करना है। अच्छा, और इसके साथ ही एक चीज हमने यहाँ पर और देखी कि जब भी आप किसी ऊंचाई को छूते हैं, आप एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे की क्या वजह है? मेरा पेशा पर्वतारोहण है, लेकिन अगर मैं अपने पेशा में अगर थोड़ा सा समाज की कुछ मतलब कुरीतियों ये सब का अगर मैं मुद्दा को उठाऊं, मुझे लगता है कि मुझे एक और मौका मिल जाएगा कि मैं एक काम के साथ दूसरे काम को भी दिखा पाऊंगा लोगों को। और इसके साथ ही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट अभी तक आपके लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही है? आपको क्या लगता है, आपकी ट्रेनिंग से लेकर बाकी चीजों को आगे प्रोसेसिंग करने से लेकर और साथ देने से लेकर गवर्नमेंट कितनी हेल्पफुल रही है अभी तक? अभी तक तो गवर्नमेंट हेल्पफुल ही रही है, और मुझे आशा भी है, विश्वास भी है अपने सीएम सर पे, रमन सिंह जी पे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के इंचार्ज भी खुद है, और मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिनों कुछ नई खुशखबरी मिलेगी। उस खुशखबरी का इंतजार हमें भी रहेगा, हमारे दर्शकों को भी, राहुल यहाँ पर रहेगा, हम आपके पास लौटेंगे और इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी की भी हम बात करें, कोई कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता है, उस वक्त सबसे ज्यादा सपोर्ट जो होता है फैमिली का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राहुल का परिवार, उनके माता पिता कैसे इस कामयाबी को राहुल के देखते हैं, ये भी जानने में हम कामयाब रहे। हमारे सरगुजा संवाददाता मनीष सोनी राहुल के घर पहुंचे, माता पिता के दिल की बात हम तक पहुंचाई, आपको भी हम सुनवाते हैं। मैं नहीं जाने दे रही थी, इन्हीं लोग जबरदस्ती भेज दिए। फिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मेरे भैया लोग का भी सब कुछ अच्छा लगा, उसके बड़े फूफा लोग का सब कुछ। अभी काफी नाम वाला लोग जान रहे हैं? हाँ, सब एक भट्टी रोड में सबको जान रहे हैं। तो क्या चाह रहे हैं लड़के के लिए, क्या जो काम करे सफलता हो, अच्छा से हो, अच्छा लग रहा है। छोटे से वो बहुत चालू था, उसके नाना बोला था बहुत कुछ आगे चल के बहुत अच्छा से काम करेगा। अब कर रहा है? हाँ, सब खुशी से है। पहले तो लोग सोचते थे ये ऐसे ही है, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है। चाहूंगा कि वो अपने अभियान में सफल हो।
वो कुछ करे, देश के लिए करे, प्रदेश के लिए करे। इसको शुरू से ही एडवेंचर में ज्यादा शौक रहा है और अभी बीच में जब से दिल्ली गया है तो इसको ज्यादा सुविधा मिल रहा है। तो बीच में वो कहीं गया था, कारगिल भी गया था एयरफोर्स वालों के साथ में, वो कॉलेज तरफ से भी गया था वहाँ। तो शुरू से शौक रखता है, बीच में अपने दोस्तों को बुलाया था तो मेन पार्ट कार्निवल फेस्टिवल था उसमें भी अपना लगाया था, मैंने वैली क्रॉसिंग का अपने दोस्तों को बॉम्बे से बुलवाया था। तो इस तरीके से वो अपना शौक पूरा कर रहा है। बीच में अभी कलेक्टर साहब से मिला था अंबिकापुर में, वहां से भी उनको आर्थिक मदद मिला 1 लाख रुपए का। तो उससे वो लद्दाख में रहा, कहां कहां 5-6 मैंने चढ़ा है। तो राहुल गुप्ता हमारे साथ स्टूडियो में है। राहुल, हमने आपके माता पिता को सुना और माता जी ने तो पहले ही कह दिया कि आप बचपन से बहुत ज्यादा चालू थे और इसीलिए उन्हें पता था कि आप कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे और उनका विश्वास उन्हें अभी भी है। लेकिन अगर हम यूथ की बात करें इस रिएक्शन के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट था, यूथ को एक जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहें? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि अपने पैशन के पीछे भागो, सिर्फ यही, क्योंकि सपना इम्पोर्टेंट होता है और जो सपना दिखाता है उस सपने को पूरा करने की हिम्मत भी देता है। चलिए, तो अपने पैशन को बरकरार रखें और सपने भी पूरे हो जाते हैं, उसके साथ मेहनत की भी काफी ज्यादा जरूरत है। राहुल, हम भी आपके लिए विश करते हैं कि हिमालय की ऊंचाई को जो आप छूना चाहते हैं वो आप जल्द से जल्द छूए और कोई भी कठिनाई आपके सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए। छत्तीसगढ़ का पहला माउंटेनियर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो 7 ऊंची पहाड़ियों को छू चुका है और अभी जो मंजिल है वो एवरेस्ट यानी कि हिमालय बाकी है। इंतजार कीजिए। नमस्कार। Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. Lo, aa gayi sardiyan. लेकिन अब मेरे पास है सर्दी भगाने का मॉडर्न तरीका, लक्स इन्फर्नो। इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं। इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहनकर भी जाते हैं। और इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। तो हो गई ना मॉडर्न। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। एक अच्छी फसल के लिए किसान को क्या चाहिए? प्यार की बात, दुआओं का साथ, मेहनत दिन रात और ताकत आपके हाथ। बायर का शक्तिशाली फ्रेम धान, सब्जियों, दालों और अन्य प्रकार की फसलों को फ्रेम सुंडियों से सुरक्षित रखे। बायर का फ्रेम, साथ ऐसा जादू जैसा। वेरी सून एनालॉग केबल विल सीज टू एग्जिस्ट। स्विच टू विडिकॉन D2H बिफोर इट्स टू लेट। Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H. Very soon, analog cable will cease to exist. Switch to Vidicon D2H before it's too late. Enjoy a plethora of asli HD channels along with an unbelievable number of channels and services on Vidicon D2H.
साइंस के प्रायोजक है। मुल्तानी कूका कफ सिरप तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। एक बार फिर दिखा एमपी की सियासत में सिंधिया परिवार का दबदबा। शिवपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं ने की उद्योग मंत्री यशोधर राजे सिंधिया की चरण वंदना, तो पुलिस कर्मी ने उठाई चप्पल। बीजेपी के बागी नरेंद्र पांडे को समर्थन देना पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा को पड़ा महंगा। पार्टी ने दोनों को दिखाया बाहर का रास्ता, अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का फैसला। निकाय चुनाव प्रचार में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जबलपुर और सिवनी के बाद बालाघाट के बारा सिवनी में लोगों से हुए रूबरू। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट, इलाके के बेहतर विकास का किया वादा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर लगाया प्रदेश के विकास की अनदेखी का आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के दिल्ली दौरे पर विवाद। सीएम ने बताया निजी दौरा, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल का बयान, कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली गए थे रमन सिंह। रायपुर में फंगस लगे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन मिलने पर सरकार सख्त। हेल्थ कमिश्नर ने इंदौर की काबरा ड्रग कंपनी को किया 5 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड। पूरे राज्य से लिग्नोकेन इंजेक्शन वापस मंगवाने के दिए निर्देश। सतना के अमोद इलाके में शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने मारी युवती को गोली, गोली मारकर की खुदकुशी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित युवती मृतक संतोष के पास से मिला सुसाइड नोट। मालवा एक्सप्रेस में दिल्ली से उज्जैन आ रही युवती को लूटपाट का विरोध करना पड़ा महंगा। बदमाशों ने चलती ट्रेन से नीचे फेंका, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़ित। गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने जाना हाल, आरोपी का स्केच जारी, दिए गए जांच के आदेश। इंदौर में नाबालिग से रेप की कोशिश और मारपीट के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार को बदमाशों ने घर में घुसकर की थी लड़की से रेप की कोशिश और मारपीट। पीड़ित के पिता और पड़ोसियों पर भी किया था हमला। कांकेर में 1 लाख के 16 नक्सलियों ने किया सरेंडर, एक महिला नक्सली भी शामिल। सभी को दी गई 5,000 की प्रोत्साहन राशि। पीएमटी फर्जीवाड़े में एक और गिरफ्तारी। ग्वालियर में एसटीएफ की गिरफ्त में आया मेडिकल छात्र वीरेंद्र पाटीदार, फर्जी तरीके से इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का आरोप। ग्वालियर के बड़ागांव हाईवे के पास हुई रामवीर गुर्जर की हत्या का मामला। बचपन के दोस्त नरेंद्र पर ही 12 लाख रुपए सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप। पुलिस का दावा, पत्नी से अवैध संबंधों के शक में नरेंद्र ने कराई थी हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका प्रदेश की खबरों में। मैं हूं राकेश पाठक। बुलेटिन में सबसे पहले बात यशोधरा राजे की चरण वंदना की। मध्य प्रदेश की वाणिज्य और उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। यशोधरा ने घूम घूम कर बीजेपी के लिए वोट मांगे, लेकिन प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिंधिया परिवार की बेटी की जमकर चरण वंदना की। कहीं कई कार्यकर्ताओं ने यशोधरा के कदमों में झुककर उनका अभिवादन किया, लेकिन इस प्रचार के दौरान एक तस्वीर और देखने को मिली। एक पुलिसकर्मी ने खुद अपने हाथों से यशोधरा राजे सिंधिया को चप्पल पहनाई। हम आपको बता दें शिवपुरी में सिंधिया परिवार का अच्छा खासा दबदबा। तो ये शाही अंदाज दिखा सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाली यशोधरा राजे सिंधिया का। और दीपक अग्रवाल इस वक्त जुड़े हुए हैं मीडिया संवाददाता। दीपक, यकीनन ये तस्वीरें कहीं वो सवाल भी खड़े करती हैं जिस पार्टी से यशोधरा राजे सिंधिया आती हैं। चाल, चेहरा और चरित्र
ये किस तरह का चरित्र पार्टी के अंदर है जहां पर एक सामंतवादी जो अप्रोच है वो कहीं दिखाई देता है? देखिए, दरअसल सुप्रिया यशोधर राय सिंधिया जी सिंधिया परिवार से ताल्लुक रखने वाली, जो कि आज हरिओम राठौर सुप्रिया प्रत्याशी बीजेपी से जो